नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। जिया खान मामले में एक्टर सूरज पंचोली सबूतों के अभाव में हुए बरी, सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री से नहीं मिलाया हाथ, बीते दिन आया था सख्त संदेश। पूर्व जदयू नेता अजय आलोक भाजपा में हुए शामिल, अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता की ग्रहण। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पहुंची सीबीआई की टीम, जांच में जुटी। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने लगाया ब्रजभूषण के आपराधिक मामलों का पोस्टर। अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को गर्भगृह में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। तमिलनाडु, शादी से लौट रहे बीजेपी नेता की हत्या, बीच सड़क पर कार रोक कर फेंके गए बम। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने 11 भाषाओं में जारी की एडवाइजरी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने किया धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों का समर्थन। और सिनेमा घरों के बाद अब ओटीपी पर धमाल मचाने को तैयार है फिल्म दशहरा, तो वहीं ओटीपी पर गूंजेगी सोनाक्षी की दहाड़, दमदार पुलिस ऑफिसर के किरदार में आएगी नजर।